फरुखाबाद से है। फरुखाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र में 22 वर्षों से बंद पड़ी उत्तर प्रदेश सरकारी कताई मिल कंपिल में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल आयुक्त संघर्ष मोर्चा व ऑल इंडिया किसान यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाकियू नेता राजा राम शर्मा व संचालन चुन्ना शुक्ला ने किया। आपको बता दें कि इसका संचालन किया गया और इसकी बैठक की गई। वहीं बैठक में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कायमगंज को सौंपा गया। इस बैठक में 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें प्रमुख रूप से श्रमिकों की मांग थी कि तनख्वाह से जो पंड धनराशि काटी गई है उसका ब्याज में भुगतान किया जाए। इसके अलावा बंद पड़ी सतकताई मिल में कोई उद्योग लगाया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी ने कहा कि श्रमिकों की आवाज भाजपा सरकार में बैठे मंत्रियों तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे और उनका हक दिलाएंगे। आप किस संगठन से हैं नेताजी? मैं ऑल इंडिया किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी हूं और आज सूत कताई मिल में इसलिए आना हुआ है कि हमारे जो मजदूरों की समस्या आज से नहीं लगभग 20 वर्ष से चल रही है। सरकार नान को करती रही है, इनका बीआरएसपी ले लिया, हमेशा कोई ना कोई समस्या अटकाते रहे। तो आज चूंकि पूरे प्रदेश के लोगों ने हमें बुलाया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आप आज आप जरूर आइएगा और इन मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ ऐलान करिए। तो आज हमारी मांग है कि सबसे पहले इनका जो बीआरएस पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे मजदूर भाइयों का, सरकार कमिश्नर सभी रिलीज करें। और अगर रिलीज नहीं करते हैं, अगर रिलीज नहीं करते हैं तो हम इस मंच से ऐलान करते हैं कि मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री मांग करेंगे कि इनका वीआरएस दिया जाए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 10 मिल बंद पड़ी है 22 साल से वो चालू की जाए।